दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में रक्तदान, टीवी और एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामेश्वर मिश्र ने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब टीवी असाध्य रोग के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। टीवी के लक्षण लगातार बलगम, बुखार, खांसी, खून आना और वजन घटना प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि आज देश में 4.5 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसका प्रकोप बच्चों पर भी हो रहा है। टीवी के रोकथाम के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा अस्पतालों में इसका इलाज मुफ्त होता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी, डॉक्टर नीरज किशोर पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी RTMU डॉक्टर AN सिंह ने कहा, जो सेंटर है वो अमेरिका में है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके जो जितने भी इन्फेक्शियस जो संक्रमित रोग होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो लगभग 99 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। मैं जो हूँ RTPMU में तैनात हूँ, गोरखपुर RTPMU। RTPMU का फुल फॉर्म है रीजनल टीवी प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। ये यूनिट जो है हमारे एयरपोर्ट के सामने 100-bed टीवी हॉस्पिटल है उसमें स्थापित है और यहाँ से 10 डिस्ट्रिक्ट को हम टीवी कंट्रोल प्रोग्राम को रेगुलेट करते हैं। तो आज जो है हम आपको टीवी और HIV एड्स के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको में से किसी एक से सुनना चाहेंगे कि आप लोग टीवी के बारे में किसी ने कुछ सुना है, वो क्या जानते हैं, कोई एक लोग खड़े होकर कुछ बताएं। आप में से कोई भी कोई एक वॉलंटियर टीवी के बारे में कुछ सुना है, कुछ जानते हैं, बताइए। अनुवांशिक बहुत ही जटिल बीमारी है, ये संक्रमित रोग है। अगर इसका सही
सही से इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो अक्सर जो इसके लक्षण होते हैं उनको, जो आम लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टीबी की जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो इनके लक्षणों को वो नज़रअंदाज करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, जिसके वजह से ये बीमारी अंदर ही अंदर पनपता रहता है और बहुत ही जटिल रूप धारण कर लेता है, और इससे क्या है कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टीबी एक सांक्रमिक बीमारी है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी बैक्टीरिया की वजह से ये टीबी बनता है शरीर में। और टीबी को हमारे देश में प्राचीन समय में भी लोग जानते थे, इसको क्षय रोग से राज रोग के नाम से भी जानते थे और तपेदिक नाम से भी जानते थे। तो इसका जो मुख्य कारण मैंने बताया कि बैक्टीरिया है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे वो आदमी पर इन्फेक्शन होता है और फिर ये बीमारी बन जाती है। ये बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर मानव शरीर में फेफड़ों को टारगेट करता है, लंग्स जिसको बोलते हैं, जिसका सबसे पसंदीदा जगह है वो लंग्स होता है, फेफड़ा, वहाँ पर ये अपना पैथोलॉजी करता है। कभी कभी क्या होता है कि लंग्स को छोड़ के शरीर के अन्य भाग, जैसे कि आपका हड्डी हो गया, पेट में जो आते होती हैं इंटेस्टाइन्स होते हैं, और भी कई जगह हैं, जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन में मेनिंजियल टीबी, ये सब भी मतलब फेफड़ों के अलावा भी ये बहुत जरूरी बनता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। तो अगर फेफड़े के अलावा और कोई टीबी है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, मतलब कि पल्मोनरी के अलावा, पल्मोनरी मतलब लंग्स यानी फेफड़ा, और एक्स्ट्रा मतलब फेफड़े के बाहर, यानी अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोले तो टीबी फेफड़े के बाहर है, या तो वो हड्डी में हो सकता है, या तो वो स्किन में हो सकता है, चमड़ियों में, या तो वो पेट में या आंतों में हो सकता है। तो इस नाम से हम टीबी को जानते हैं। मेरा नाम डिप्टी आरडीपी में मैं हूँ, ये डॉक्टर एल रेवल मैं हूँ। संगोष्ठी राज्य स्तर से आदेश पर हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और ट्यूबरक्लोसिस विभाग की तरफ से संगोष्ठी की जा रही है। इसमें बच्चों में जागरूकता अभियान और ख़ासतौर से टीबी एचआईवी एड्स के बारे में प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इन बच्चों के द्वारा ही हम चाहते हैं कि समाज में जो भी भ्रांतियाँ पैदा हैं उसका निराकरण बच्चों के माध्यम से कराया जाए, जिससे कि उसकी स्वीकारता सहज हो।